देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कभी कभार है ना, आपसे बात करती हूँ तो मुझे करण जी जो याद आ जाते हैं। सॉरी। करण को इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता होगा। मेरा मतलब है, आई एम श्योर वो तुम्हें फेवरेट मानता होगा। तुम हो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हो, तुम डार्लिंग सृष्टि हो। सृष्टि, सॉरी टू चेंज द टॉपिक, बट हम तुम्हारे कमरे में आ गए, इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं, आपका बनता है, आप मेरे फेवरेट हो ना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने दिल में मेरी दी के लिए कोई गलत फहमी मत रखना। वो क्या ना, मेरी दी आपसे नफरत नहीं करती है, उनको बस आप थोड़े से पसंद नहीं है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि उनको भी आप में करण चीजू, मेरा मतलब है आपसे करण जी जो की वाइब जाती होगी, इसलिए तो वो इतनी डिफेंसिव हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं, आपसे लड़ पड़ती हैं। लेकिन आई अश्योर यू, मेरे दी के दिल में आपके लिए कोई मैल, कोई बैर, कोई नफरत नहीं है। मुझे पता है वो थोड़ी कड़वी सी है, उनकी बातें कड़वी हैं, जिससे आपको शायद गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन मेरी दी दिल की बुरी नहीं है। उनसे आप नफरत मत करना मेरी खातिर। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में अर्जुन के लिए प्यार। तुम अर्जुन पे डोरे डाल रही हो, राइट? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज मत करो, ओके? तुम्हारा क्या दिल विल आ गया क्या मेरे पति पे? जब देखो तुम उसके इर्द गिर्द घूमते रहती हो। देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। चलो नहीं, झूठ सच बोल, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो भी बोलना है ना तुम बोलो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ना एक शक की बीवी हो। हाँ मैं हूँ शक की, क्योंकि मैं जासूस हूँ और जासूस हर किसी पे शक करता है। तो अगर मैं अपने पति पे शक करती हूँ या उस पे नजर रख रही हूँ तो उसमें बुराई क्या है? और वैसे यहाँ सैमी की बात नहीं हो रही, यहाँ अर्जुन की बात हो रही है। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन तुम्हारे चक्कर में फंस जाए, ओके? और तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? क्योंकि मेरे दिल में है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी तुम्हारा अर्जुन से कोई मैच नहीं है, सो प्लीज। रियली? तो किसका है? उसका होगा। किसका? उसका नहीं, उसका बोलो किसका? प्रीता दी का। प्रीता दी और अर्जुन का बेस्ट मैच है। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे समझ भी आ रहा है? प्रीता शादीशुदा है, मैरिड है वो। तुम बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो, कुछ भी बोलती हो तुम यार। सॉरी, देखो ये किसको जाके बोलना नहीं मैंने मुझसे ये। सृष्टि पागल हो गई है क्या? हे भगवान जी, ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया? ऋषभ जी जो दी की शादी हो चुकी है, मैं उनको किसी और के नाम से कैसे जोड़ सकती हूँ? ये अर्जुन को देखकर मुझे ये हो क्या जाता है? ये अर्जुन के लिए मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रही हूँ जैसे मैं करण जीजू और दी के लिए सोचा करती थी। माय गॉड, ओह माय गॉड, माय गॉड, अल्लाह, मेरी धड़कने थी, सॉरी, हे भगवान जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अरे, अर्जुन अर्जुन है, करण जीजू नहीं, अर्जुन अर्जुन है, करण जीजू नहीं। सृष्टि, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या कर रही है? ओह माय गॉड, जाके सैमी और
दादू को हेल्प करती हूँ। नीचे मेहमान भी जा रहे होंगे, उनको प्रसाद भी देना है। हे भगवान जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। माय गॉड, ये चाबी किधर गई? इधर ही तो रखी थी, कहाँ गई लॉकर की चाबी? इस सब सामान बिखरा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कोई आया था, किसी ने तो छेड़खानी की है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे सामान को कुछ मत किया करो। अब क्या माफी मांग के निकलोगे? चलो यहाँ से, सब पेपर्स इधर उधर हो गए होंगे। अरे पर ये इतना गुस्सा होता नहीं है जनरली, कुछ तो हुआ है। तुम भी तो ऐसे नहीं थे ना पहले। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? मैंने यहां पर लॉकर की चाबी रखी थी, मुझे लॉकर की चाबी चाहिए, मेरे को चाबी चाबी नहीं मिल रही है। मैं ऋषभ, एक सेकंड, चाबी मैं देता हूं। यार मुझे नहीं मिली तो तुमको कैसे मिलेगी? ये लो चाबी। तुम टेंशन में थे ना, तुम्हें नजर नहीं आया होगा, यहीं पड़ी हुई थी। शायद ये सोच रहे होंगे कि मुझे चाबी कैसे मिली। वो एक्चुअली मैं ड्रॉवर में रखने ही वाला था, तुम्हारा पेपर। थैंक यू। तुम चुप ही रहो तो बेटर है, तुम घर चलो, मुझे काम है। आई स्वेयर, अब इस घर में ना तुम कैसे आते हो मैं देखती हूँ। तुम इस घर में आने ही नहीं दूंगी। बेटा आप भी प्रसाद लेके जाओ। पंडित जी, प्रसाद में आप मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे पापा का भी आशीर्वाद मिल जाए। और पापा के लिए तो सभी बराबर होते ना, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। अरे बेटा प्रसाद लेके जाओ। अरे ये करीना बुआ और दादी ऐसे घूम रही कि जैसे गार्डन है, हर तरफ से कोई ना कोई आ रहा है। खानी जल्दी खाए या बटन। अरे जानकी आंटी, आपने प्रसाद लिया? नहीं पुत्र, क्या हुआ? कुछ पता नहीं कौन झल्ली थी। अच्छा आ जाओ, प्रसाद ले। मेरा शक सही निकला, ये अर्जुन जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, और जैसा वो है दिखाता नहीं। पिछली बार जब मैं उससे मिला था, उसने मुझसे कहा था कि वो प्रीता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। प्रीता का नाम सुनते उसे गुस्सा आ जाता है, वो बौखला जाता है। लेकिन आज जब उसने मुझसे ये पूछा कि मैंने प्रीता को तकलीफ क्यों दी, उसे परेशान क्यों किया, इसका मतलब क्या हुआ? इस बात से इस अर्जुन को परेशानी क्यों हो रही थी? वो तकलीफ में क्यों दिख रहा था? क्यों, क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को प्रीता से सच में प्यार हो गया है? कहीं ये बात सच तो नहीं कि उसका प्रीता के साथ कुंडली भाग्य का रिश्ता है? अगर ऐसा है ना, तो अर्जुन तेरा दिल पक्का टूटने वाला है, क्योंकि प्रीता की शादी ऋषभ से हो चुकी है, वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से। लेकिन प्रीता का सच्चा आशिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, वो भी बरसों से है। तो मैं तुझे प्रीता के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी जी की है। पी का रिश्ता है भाई, पी फॉर प्रीता, पी फॉर पृथ्वी, एंड पी से प्यार। अर्जुन, अब मैं तुम्हें और गलतियां करने नहीं दूंगी।
मैं देख रही हूँ सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तुम बेकाबू हो रहे हो। अगले कुछ दिनों के लिए ना तुम यहाँ पर नहीं आओगे। बस इसके आगे कुछ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है, इस सूर्यवंशी का राज क्या है? तुम कुछ दिनों के लिए ना मेरे मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और इतनी भी कोई गड़बड़ नहीं की मैंने जितना कि तुम कह रही हो। अरे जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करती हो, मुझे हैंडल करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। तो मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा कम इंटरफेयर करो। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक चीज के बहुत पास हूँ मैं। इनफैक्ट तुम्हारे बहुत पास हूँ मैं, तो तुमसे दूर रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। मतलब मेरा शक सही निकला। इस अंजलि को अर्जुन से प्यार है और अर्जुन के कदम पड़ रहे हैं प्रीता की तरफ। I swear, अगर तूने मेरी प्रीता के बारे में जरा भी ऐसा वैसा सोचा ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। काव्या मम्मा, एक मिनट में निकाल रहा हूँ। बस काव्या, अब यह बाहर आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। बेटा जल्दी कर, दम घुट रहा है उसकी बच्ची का। खोलो ना, जल्दी कर। काव्या, बिल्कुल आप बाहर आओगे, हम गेम्स खेलेंगे। डायरेक्ट घबरा जाएगी। काव्या कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गया हूँ ना। हा? कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना, पापा है, अभी आपको बाहर निकाल लेंगे। हाँ अभी हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे ना, हॉलीडे। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। ये क्या हुआ? चाबी, चाबी टूट गई। ये कैसे हो गया? काफी अंदर है, तुमने चाबी क्यों तोड़ी? मैंने नहीं तोड़ी, वो लॉक जाम था, वो ऑटो नहीं खुल। तो आराम से करना था ना, अब कैसे खोलेंगे? पासवर्ड से खुलता है, ये किसी को पासवर्ड नहीं पता। ये पासवर्ड सिर्फ करण को पता था, उसके अलावा ये लॉकर कोई नहीं खोल सकता। अब क्या करेंगे? और अगर किसी ने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, दो तीन बार कर दिया, तो डिसेबल हो सकता है। अब खोलो, मुझे नहीं पता। आपको क्या सिखाया था? पेशेंस, राइट? पेशेंस। हेलो विजय, विजय विजय, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। वो तुम जरा आ सकते हो? मुझे एक लॉक, एक लॉक की चाबी टूट गई है, मुझे वो लॉक खोलना है, तो तुम आ सकते हो? अच्छा तुम कहाँ, मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ पे, मैं लेके आता हूँ उसको। अब तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ लेने के लिए तुमको। काव्या बेटा तुम डरना नहीं। हाँ बेटा हम लोग सब यही हैं, तुम घबराना मत, हम लोग तुम्हें निकाल लेंगे जल्दी बेटा। हम लोग यही हैं बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। करीना जी, आपको तो आदत है कुछ ना कुछ बोलने की, मैं क्या झल्ली लगती हूँ? हाँ वैसे गलती तुम्हारी थी। अरे अब क्या हुआ मॉम, इसकी तो आदत है, हर बार किसी ना किसी से लड़ती रहती है। अरे मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, यही कह रही थी देखो वो पागल की तरह जा रही है। हाँ तो सची तो कहा मैंने मॉम, अब जैसे दिख रही थी वैसे ही कहा, पागलों की तरह चल रही है। देखो मैं क्या पागल लगती हूँ? नहीं वैसे लगने की क्या बात है, सामने लोगों को नजर आ ही रहा है। हाय रब्बा, मैं पागल दिखती हूँ तो मत देखो ना, आंखें बंद कर लो। याददाश्त चली गई है क्या तुम्हारी? ये मेरा घर है, समझ गई? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, मैं अपने घर में अपनी आंखें क्यों बंद कर लूं? रियली हद है, पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, पूरी आंखें खुलती नहीं है ना, इसीलिए कोई नजर नहीं आता तुम्हें रास्ते पे चलते हुए। हे रब्बा, उम्र, मेरी उम्र कहाँ हो गई है? मैं तो अभी जवान हूँ। करीना जी, आपसे ज्यादा जवान हूँ मैं अभी। ये नो, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे उस गरीब अरोरा हाउस में आईना तो होगा नहीं, अपने आप को देखा नहीं होगा, इसीलिए पता नहीं चला कि बूढ़ी हो गई हो, बहुत ज्यादा बूढ़ी। हायो रब्बा, छड्डो छड्डो, मुझसे ज्यादा बूढ़ी लगती है। हाँ मॉम, आप तो कितनी क्यूट है, कितनी जवान। थैंक यू। कहाँ है पृथ्वी? ये आज पक्का पकड़ा जाएगा, इसे हजार बार कहा है मैंने कि लूथरा हाउस मत आया कर, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता।
अर्जुन सूर्यवंशी? ये क्या चक्कर है? पृथ्वी तो यहाँ है ही, अब शर्लिन भी यही है। शर्लिन यहाँ आई है तो इसका जरूर कोई तो मकसद है। संभल के। लगता है किसी ने तुम्हें सॉरी बोलना नहीं सिखाया। सिखाया ना, पर सही लोगों को बोलना सिखाया। अब इनकी तरफ से हम सो सॉरी। अर्जुन क्या था ये, तुम कैसे बिहेव करने लगे हो? मतलब तुम बोलते कुछ और हो, तुम करते कुछ और हो। तुम लूथरा मैंशन आ जाते हो ना तो तुम्हारे इमोशंस ना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ अभी, क्या था ये सब? ये जो मैंने किया ना, एक बार नहीं हजार बार करूंगा। तुम्हें पता ये कौन है? शर्लिन है। इसने मेरे भाई के साथ शादी की, उसकी जिंदगी बर्बाद की और खुद ऐश कर रही है। तुम्हें पता भी कैसी औरत है वो? जब इसने मेरे भाई के साथ शादी की ना, तब इसका पृथ्वी के साथ ऑलरेडी अफेयर चल रहा था। तो तुम्हें उससे क्या है? अर्जुन तुम बस इतना याद रखो कि ऋषभ और प्रीता की शादी हो चुकी है और उन्होंने तुम्हारा खून किया था, और उसी का बदला लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। कि शर्लिन और पृथ्वी से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे? शर्लिन घर के अंदर गई है, मैं इस घर से अभी जा नहीं सकता। पृथ्वी और शर्लिन दोनों घर में है, मतलब इनके इरादे सही नहीं है। I have to stay back. अर्जुन, ये शर्लिन और पृथ्वी इस घर में फिर से है। काव्या आप बिल्कुल मत घबराना, आप मम्मा की स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना, आराम से सांस लो। मम्मा देखो ये दरवाजे के बाहर ही बैठी है आपके लिए, और पापा अभी आके ये दरवाजा तोड़ ही देंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे। मुझे डर लग रहा है, जल्दी खोलो, सांस नहीं आ रही। डरने की बात नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं डरो, आप तो कभी नहीं डरते हो ना, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। काव्या डरो मत पुत्र, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तू बहादुर बच्चा है ना, डरते नहीं, बस भगवान का नाम लो, अभी आ जाएंगे पापा। काव्या आप ठीक हो ना? गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए। चाबी? मेरी चाबी मेरे पास नहीं बेटा। मैं अभी ले आती हूँ। मामा जल्दी, तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। काव्या कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। आप मुझसे बात करते रहो। ऋषभ ये ले गाड़ी की चाबी, जल्दी जा और जल्दी लौटा। आप लोग टेंशन मत लेना। लेकिन मेरे को मालूम है कि आपका गर्भवती है, लेकिन हम सबका, आप अगर मिल जाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे एक बार ऋषभ, आप मेरे से एक्स्ट्रा पे, मैं ए, 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 आप आइए, मैं करता हूँ। ओके क्या हुआ ऋषभ, एवरीथिंग ओके? कुछ ठीक नहीं है, वो लॉक्ड हो गया, उसका एक डिजिटल कोड था, वो हमें याद नहीं है, घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ करण को पता था और किसी को पता नहीं है। उसका उसमें वो चाबी से भी खुलता था, तो चाबी से खोलने की कोशिश की, चाबी टूट गई। इस वक्त यहाँ पर आज गणपति को कैसे कोई चाबी बनाएगा? उसको फोन कर रहा हूँ, वो आई डोंट नो, हो सकता है मिल जाए। I'm just trying to find her. अरे जी जो एक मिनट, जी जी तो टेंशन, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी चलता हूँ। क्या क्या कर रहे? क्या हुआ? कहाँ ले जा रही? मम्मा यहीं पे बैठी है, देखो यहाँ, ये देखो मैं यहीं पे बैठी हूँ, और पापा 5 मिनट्स, तो बस 5 मिनट्स में ये खोल देंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा? मम्मा, I love you, मम्मा, डैड, I love you. मुझे सांस नहीं आती, जल्दी खोलो। ऐसे मत बोलो बेटा, सांस क्यों नहीं आ रही? आराम से सांस लो, अभी खुल जाएगा ये, अभी खुल जाएगा बस। राखी जी क्या कर रही हैं आप, रोइए मत। अगर आप इस तरीके से करेंगी तो काव्या को कौन संभालेगा? प्लीज रोना बंद कीजिए, वो आपकी आवाज सुनेगी तो घबराएगी। और हे माता रानी, कन्या के रूप में तुम्हारी पूजा होती है, आज एक कन्या की जान खतरे में, बचा लो हमारी बच्ची को। अभी अभी थोड़ी देर में इसको खोल देंगे और आपको बाहर निकालेंगे, और जब आपको बाहर निकालेंगे ना, तो काव्या मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगी, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, सारे फ्लेवर्स मंगा देती हूँ, सारे, बता मंगा दूँ ना? मम्मा मुझे खानी आइसक्रीम।
बस मैं अभी मंगवा रही हूँ। हम आइसक्रीम भी खाएंगे, हम चॉकलेट भी खाएंगे और फिर हम शॉपिंग पे भी जाएंगे, ठीक है? अब इतनी सारी चीजें करनी है तो 5 मिनट रुक जाओ ना बेटा, आराम से बैठो, आप एकदम आराम से सांस लो। अब भी ये खोल देंगे, अब भी ये, अब भी पापा आके पूरा ये दरवाजा तोड़ देंगे। कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना ऋषभ इतना हाइपर होने वालों में से तो नहीं है। हेलो हेलो विजय, विजय विजय कहाँ हो तुम? कौन से पंडाल में? विजय सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास सारे टूल्स हैं ना? मुझे सारे टूल्स चाहिए, वहां पर क्या यूज होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए तुम सारे टूल्स साथ में लेकर चलना प्लीज। ऋषभ हुआ क्या? विजय तुम बाहर आओ ना रोड पर, मुझे दिख नहीं रहे हो तुम। विजय तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे क्राउड है, रोड ब्लॉक है, गणपति जी का क्राउड है, यहाँ पर मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा गाड़ी लेकर, तुम बाहर आओ, व्हाइट कलर का कार है मेरा, तुम जल्दी आओ ना बाहर। अरे जीजा बताओ कि क्या स्ट्रेस है आपको? विजय विजय जल्दी आओ, जल्दी आओ बाहर। अरे सब तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, बात क्या है ये तो बताओ। चेंज सिग्नल को भी अभी। अरे सिग्नल तुम क्या कर रहे हो, सिग्नल तोड़ रहे हो, फोकस करने दो ड्राइविंग पर यार प्लीज, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी बेटी बाबर लॉकर में लॉक हो गई है।